को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। नमस्ते, स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस कड़ी को लेकर हम आलोचना कर रहे हैं वह है मैं के मैं से तीन संबंध। बाबा ठाकुर के जिस प्रवचन को लेकर हम आगे बढ़े हैं उस प्रवचन के जो अंश मैं के मैं से तीन संबंध के बारे में हैं, आइए उसे एक बार फिर सुनते हैं। हमारे शरीर में हर मैं के साथ मैं के तीन संबंध होता है, एक वीकनेस पार्ट, एक रूलिंग पार्ट और एक है एंजॉयर्स एंजॉयिंग पार्ट। वो अनुभव करता है, भोग करता है, भुक्ता करता, भुक्ता ज्ञाता। और सेकेंड जो है रूलर लॉर्ड ईश्वर, और एक नंबर है क्या वीकनेस, वो है एकदम अनटास्ट, किसी के साथ संबंध नहीं, ट्रांसेंडेंटल आई, हर आदमी के साथ ही है, वो है असली मैं। हम वही मैं के बाद थोड़ा से इंडिकेट किया, लेकिन ये सुनने के बाद कभी कभी मन में आ जाएगा ये क्या बात सुना, उस क्या है, वही से शुरू हो जाएगा। ये हम बीज दाना भी लगा दिया, ये बीज से भी पेड़ बन जाएगा, फूल फल भी बन जाएगा, पक्का भाई मैं का अनुभूति भी आ जाएगा। आप विचार करके देखिए ये संसार में आपका क्या पोजीशन क्या है, आप नहीं रहने से संसार कहाँ है, बड़ी घर कहाँ है, नींद में तो कुछ नहीं रहता है, ना मुकाम रहता है, ना कोई दफ्तर रहता है, ना कोई घर बारी रहता है, ना कुछ भी रहता है, तो मैं रह जाता है एकला, एकदम शांत पूर्ण स्वरूप में। तो वही पूर्ण स्वरूप आपको जागृत अवस्था में हो सकता है, जागृत अवस्था में इंद्रियों द्वारा हम मैं को व्यवहार करते हैं, और अंदर में मन द्वारा व्यवहार करते हैं, और केंद्र में जाएगा तो देखा जाएगा जी वो व्यवहार नहीं है उधर समान शांत, और उसके ऊपर में मैं खाली एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट। प्रज्ञान पुरुष कहते हैं हर शरीर में मैं के साथ मैं के तीन संबंध होते हैं, एक विटनेस साक्षी पार्ट है, एक रूलिंग प्रभु विभू पार्ट है, और एक एंजॉयर कर्ता भोक्ता पार्ट है, जो भोग करता है, जो करता है, जो भोगता है, जो भोगता है, जो ज्ञाता है। इंडिविजुअल आई यूनिवर्सल आई, प्रभु विभू की बात, और एक साक्षी विटनेस आई। आगे कहते हैं बीच का है रूलर लॉर्ड ईश्वर, एक नंबर का है केवल विटनेस, वह है अनटच्ड, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, ट्रांसेंडेंटल आई। इसको हमने कुछ हद तक डिस्कस किया था हमारी पिछली कड़ी में। अब इसके ऊपर प्रज्ञान पुरुष का अनदर एंगल में प्रेजेंटेड जो वाणी है उसको पढ़ते हैं। प्रज्ञान पुरुष कहते हैं सच्चिदानंद घन भूमा परमात्म देवता स्वबोध में स्वयं निर्गुण तथा गुणातीत हैं, और स्वभाव में स्वयं ही सगुण हैं। वो खुद ही निर्गुण और गुणातीत हैं, निर्गुण के भी अतीत गुणातीत, जहां पे कोई गुण निर्गुण सगुण की बात ही नहीं है, वो और निर्गुण वे खुद ही हैं। और सगुण जब लीला वाली बात आती है तो सगुण अवस्था में भी वो स्वभाव युक्त होके स्वयं ही हैं। स्वबोध में केवल साक्षी स्वरूप ब्रह्म आत्मा पक्का मैं स्वयं, स्वभाव में स्वयं लीलामय प्रभु अंतर्यामी समष्टि कर्ता भोक्ता ज्ञाता सर्वव्यष्टि जीवन अर्थात समष्टि कच्चा मैं और जगत के अंतर्निहित शक्ति सत्ता एवं अधिष्ठान। जैसे ही स्वभाव में आए उनके स्वभाव के अंडर सब कुछ है। कहां से शुरू होता है उनके स्वभाव? स्वभाव में स्वयं लीलामय प्रभु अंतर्यामी है,
समष्टि कर्ता भोक्ता ज्ञाता समष्टि रूप में यूनिवर्सल रूप में वही हैं। सर्व व्यष्टि जीवन, अब इंडिविजुअल पे जब आते हैं, सर्व समस्त जितने भी व्यष्टि जीवन हैं जिस भी फॉर्म में हैं वो सर्व व्यष्टि जीवन वही हैं, अर्थात समष्टि कच्चा मैं और जगत की अंतर्निहित शक्ति सत्ता एवं अधिष्ठान। व्यष्टि जीव अर्थात समस्त कच्चा मैं उन्हीं के अभिन्न अंश हैं एवं सबके हृदय में वही हैं सबके आत्मा। परंतु जीव या कच्चा मैं अपनी बुद्धि दोष और भ्रांति के कारण अपनी आत्मा पक्का मैं को भूल गया, इसलिए कच्चा मैं रूप में जीव दशा भोग करता है। फिर स्वहृदयस्थ स्वबोध आत्मा पक्का मैं की शरण लेने से उन्हीं की कृपा से अपने स्वस्वरूप पक्का मैं में सुप्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये जीव जो फैलाव को लेके जी रहा है, बिल्कुल लोएस्ट यूनिट में आके जी रहा है, वो जब उन्हीं की कृपा प्राप्त होता है, उन्हीं की तरफ ध्यान देता है और आगे बढ़ के वापस अपने स्वस्वरूप में उसी सच्चिदानंद घन भूमा परमात्म देवता स्वबोध की अवस्था में पहुंच जाता है। तो देखिए ये जो सीक्वेंस है, मैं का मैं से तीन संबंध, इसके आपने देखा अगेन द सेम वे, पहले तुरीय का मैं, उसके बाद समष्टि ईश्वर का मैं, उसके बाद जीव का मैं जो कि जगत को लेके खेल रहा है। अब देखिए इसको भिन्न तरीके से बोला है, जगत है जीव के भोग का आधार, जीव है ईश्वर का प्रकाश माध्यम या लीला माध्यम, और ईश्वर है अमूर्त ब्रह्म के मूर्त विग्रह। ब्रह्म की स्थिति में जब गुणातीत की स्थिति या निर्गुण की स्थिति है वो अमूर्त है, फॉर्मलेस है, वहां पे कभी किसी किस्म का कोई इंकार्नेशन फॉर्मेशन नहीं है। अमूर्त ब्रह्म के मूर्त विग्रह है ईश्वर, प्रज्ञान ब्रह्म है निर्गुण निर्विशेष निष्क्रिय तूर्य भूमा सत्ता स्वरूप। ईश्वर है सगुण सविशेष ब्रह्म, जीव जगत के सृष्टा नियंता प्रभु अंतर्यामी। जीव है ईश्वर का अभिन्न अंश और प्रकाश माध्यम, स्वकृत कर्मों का कर्ता भोक्ता ज्ञाता, एवं जगत है जीव का देह आधार आवास कर्म भूमि और भोग्य। पांच छह लाइनों में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड दे दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड जिसको बताया जा रहा है देह आधार आवास कर्म भूमि और भोग्य से लेकर के दैट अमूर्त अवस्था वहां तक के पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। यही है ब्रह्मज्ञानी के वचनों का असर, चूंकि एब्सोल्यूट की विद्या में प्रतिष्ठित हैं, जो भी चीज उनके अंदर से उद्गत होती है वो एब्सोल्यूट की वाणी होती है, अ कंप्लीट होल होता है, वहां पे कोई गैप नहीं रहता है। हम कोई भी ज्ञान अर्जन करने के लिए जगत में नॉर्मली जब बढ़ते हैं तो कंप्लीट होल नहीं मिलता है किसी भी विद्या में, चाहे कितनी ब्रॉड बेस्ड वो विद्या हो, इट इज नॉट ऑल इंक्लूसिव। ये ऑल इंक्लूसिव विद्या है एब्सोल्यूट की विद्या, जिसको कहा जा रहा है ब्रह्म आत्म विद्या। आगे कहते हैं, यह असली मैं हर आदमी के साथ है, मैंने इस बात को केवल इंडिकेट किया, पॉइंट आउट किया। यह सुनने के बाद मन में प्रश्न जगेंगे, यह क्या बात सुनी, यह क्या है, यहीं से शुरू होगी स्वयं की खोज। मैंने बीज लगा दिया, इस बीज से पेड़ बनेगा, फूल फल बनेगा, पक्का मैं की अनुभूति आ जाएगी। हम विचार करें संसार में अपनी पोजीशन के बारे में तो क्या देखेंगे, हम नहीं तो संसार कहाँ है, घर बार कहाँ है, गहरी नींद में कुछ नहीं रहता, न मकान न दफ्तर घर बार कुछ नहीं रहता, केवल मैं रह जाता है जो सुबह उठ के कहता है कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आई थी। मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, हमारी कोई भी चीज़, कोई स्किन हैंड पाँव, किसी की भी मूवमेंट नहीं है, राइट? और कौन उठ के सुबह बोलता है कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आई थी, ये कौन है? ये जो स्वरूप है मेरा, जो कि दृष्टा है,
जागृत अवस्था का भी, स्वप्नावस्था का भी, ये गहरी नींद का भी, जो उठ के सुबह कह रहा है कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आई थी, इसके बारे में मेरी चर्चा नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं रह जाता हूँ इस विद्या से। लेकिन जब सुनने में आती है तो वापस, क्योंकि ये तो मेरे पास हमेशा है, थी और रहेगी, देह रहे चाहे ना रहे। आगे कहते हैं कि केवल मैं रह जाता है तब क्या होता है, अकेला एकदम शांत पूर्ण स्वरूप में। यही पूर्ण स्वरूप की अनुभूति जागृत अवस्था में भी हो सकती है। जागृत अवस्था में इंद्रियों द्वारा हम इसी मैं का व्यवहार करते हैं, अंदर में मन द्वारा करते हैं। केंद्र में जाएं तो देखेंगे कि कोई व्यवहार ही नहीं है, उधर समान शांत है और उसके ऊपर में सिर्फ एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट का घर है। केंद्रीय घर यानी ईश्वर के घर में समान है, शांत है सब कुछ, क्योंकि ईश्वर साइलेंस इन एक्शन है। साइलेंस हैं लेकिन इन एक्शन बाहर प्रतीत होते हैं, अंदर से किसी किस्म की हलचल नहीं है। जो योगी पुरुष है, साधक है, वो एक्शन इन साइलेंस करता है, चुप रहता है, हर काम करता रहता है, चुप है। जो बाहर का व्यक्ति है यानी जो बाहरी जगत में पूरा लिप्त हुआ व्यक्ति है, उसका एक्शन इन एक्शन है। बाहर भी एक्शन होता है, अंदर भी उसके एक्शन होता है, हलचल होती रहती है, बाहर भी हलचल होता रहता है। फिर जब वो साधक बनता है यानी वो जिज्ञासु बन के अपने अंदर ट्रैवल करने की कोशिश में बढ़ता है और थोड़ा सा मध्य लेवल पे पहुंचता है, तो वो हो जाता है एक्शन इन साइलेंस, अंदर साइलेंस और एक्शन करने की पूरी तौर पे चल रहा है एक्शन उसका। और जब ईश्वरीय स्टेट, केंद्रीय स्टेट पे पहुंचता है, तो ईश्वर चूंकि साइलेंस पर्सोनिफाइड हैं, तो साइलेंस इन एक्शन है, वो परफेक्ट एक्शन इन साइलेंस नहीं, साइलेंस इन एक्शन। फिर अंत में ट्रांसेंडेंटल, जहां वो कह रहे हैं एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, उसके ऊपर सिर्फ एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट है, इट इज प्योर साइलेंस एंड नथिंग एल्स, सो इट इज कॉल्ड साइलेंस इन साइलेंस। अब ब्रह्मज्ञानी की वाणी अनुसार ये जो बातें उन्होंने कही, ये कुछ बातों को हम अगर अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इनके बारे में क्या कहते हैं। एक अखंड भूमा मैं के तीन तरंग, सीमित का मैं, असीम का मैं, असीम के अतीत का मैं। सीमा का मैं है अहंकार का मैं, असीम का मैं है त्वंकार का मैं, असीम के अतीत का मैं है अहंग देव का मैं, अर्थात तत्व स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का मैं। यही है पक्का मैं जो अहंकार और त्वंकार का अधिष्ठान है। एक हमारी कड़ी रही थी अहंकार त्वंकार अहंग देव, तो वो तीन जो अवस्थाओं की बात हो रही है, अहंकार त्वंकार अहंग देव, ये सिर्फ मैं की ही अवस्था है, अहंकार की अवस्था, त्वंकार की अवस्था, अहंग देव की अवस्था। इसी सिलसिले में एक लास्ट वाणी उनकी पढ़ लेते हैं। निज बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन विग्रह हैं परमात्मा पक्का मैं, उसमें कोई मेरा भाव का व्यवहार नहीं है, केवल स्वबोध में साक्षी स्वरूप हैं। परमात्मा का मैं स्वभाव युक्त होकर ईश्वर बोध में अपने को व्यवहार करता है, उनका एक मेरा भाव का व्यवहार भी है, उसी का एक अंश जीव लोक में जीव का मैं अर्थात कच्चा मैं अहंकार रूप से अपने को व्यवहार करता है। अहंकार का निजी व्यवहार है मेरा भाव का व्यवहार, इसलिए निज बोध व्यवहार के तीन रूप हैं, पक्का मैं है मेरा भाव शून्य, ईश्वर का मैं है अनंत मेरा भाव युक्त, और जीव का मैं है ससीम शांत मेरा भाव युक्त। निज बोध के तीन रूपों के संबंध में यथार्थ धारणा न होने से अविद्या अज्ञान मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। हमारा समय समाप्त हो चला है। मैं के मैं से तीन संबंध, ये जो टॉपिक है ये हमारा यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं एक भजन केदार नारायण बोडास जी से। Yeah.
स्वरूप सच्चिदानंद घन अखंड पूर्ण स्वानुभव देव स्वयं पुरुषोत्तम अक्षर ईश्वर परात्परम अद्वै ब्रह्म आत्मा सत्य ज्ञानामृत कारण अनादि तत्व सत्य तत्व सत्य ज्ञानामृत कारण अनादि तत्व सत्य ज्ञानामृत कारण प्रशांत आनंद अमल चिरंतन प्रशांत आनंद अमल चिरंतन शाश्वतयाच्युत नित्याद्वैत शाश्वतयाच्युत नित्याद्वैत शाश्वतयाच्युत नित्याद्वैत निष्कल निर्मल निरंजन स्वबोध समरस सुधा